नमस्कार दोस्तों, डिजिटल क्रोनी चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे कि एसुस लेजर 2 में जो नया अपडेट आया है वोल्टी का, तो वो रियल है या फेक है। तो आज हम लोग चेक करेंगे इसकी अपडेट के बारे में। तो फिलहाल अभी जो आप मोबाइल चेक देख रहे हैं तो वो अपडेट के जस्ट पहले का सेट है। तो आज ही उसमें अपडेट आया था ये का, जियो वोल्टी का। तो आज मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें वोल्टी का जो अपडेट आने के बाद जो भी फीचर्स आएगा, क्या वो सही है, वोल्टी में काम करेगा या फिर नहीं काम करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, बस इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त कि अगर आप इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो। अगर आपको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक तो बिल्कुल मत करें। और जो आपको कमी दिख रही है, कोई भी फॉल्ट पता समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन में लिख दें, कमेंट कर दें। ठीक है, तो आइए टेस्ट करते हैं। हाँ, आप देख रहे हैं कि अपडेट के जस्ट पहले का ये फीचर्स क्या क्या शो कर रहा है, जैसे कि ये ट्यूटोरियल में दिखाया था डबल क्लिक का, फ्लिप फ्लॉप का, हैंड अप का। तो ये एक्चुअली मार्शमेलो के अपडेट वर्जन के बाद का ये फीचर्स है। तो जैसे मार्शमेलो में ये इसका डिमेरिट आ गया था कि ये जो एप्स का जो फीचर्स है, तो इसमें रनिंग ऑप्शन खुल ही नहीं रहा था, बस एक ही ऑप्शन खुलता, बाकी इससे पहले का जो अपडेट था लॉलीपॉप में वो सही था, बैटरी ऑप्शन भी ठीक ठाक है। तो सिर्फ हम लोग को ये पता करना है ये जो था रियल है या फेक है, यानी कि अभी जो भी नेटवर्क का सिचुएशन है, तो क्या वो अपडेट वोल्टी अपडेट करने के बाद ये फीचर्स स्पीड नेटवर्क का बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे इसे एक्सेप्टेबिलिटी का भी ऑप्शन में मैंने देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअली मैंने ये जो डाउनलोड का सॉफ्टवेयर अपडेट का आया था उसको मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, ये पहले का ये है। तो हम देख पा रहे हैं अबाउट फोन में ये एंड्रॉयड सिक्योरिटी पाथ लेवल मॉडल नंबर देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन बिल्ड नंबर देख सकते हैं, जो पहले था MMB229PWW। ठीक है, और इसको मैं बैक कर रहा हूँ। इससे अब वाईफाई वर्जन है, ब्लूटूथ वर्जन है। इसका दो अपडेट आया था, एक वोल्टी अपडेट और उसी में था बग फिक्स। खैर, बग फिक्स के बारे में आप दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो ये तो मार्शमेलो, ये पहले एक्चुअली लॉन्च जो किया था लॉलीपॉप में लॉन्च किया गया था, और इसको मैंने मार्शमेलो में अपडेट किया, जिसमें कुछ कुछ खामियां आई और कुछ कुछ नया नया फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, खामियां तो है जैसे कि यूजर्स खत्म कर दे, पहले यूजर्स 3 थे, अब यूजर्स खत्म कर दिए गए। और इसमें जो फीचर्स बढ़ा है वो, जैसे मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, कुछ देर में मैंने इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, अभी इसको पॉज कर दे रहा हूँ इसको इंस्टॉल करने के बाद, और इसको इंस्टॉल के बाद मैं इसको शो ऑफ करूँगा। ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल, दोस्तों ये अब इंस्टॉल हो चुका है, तो आप देख सकते हैं इंस्टॉल होने के बाद क्या क्या फीचर्स बढ़ा। तो जैसे कि इसका टाइटल बार में आप देख सकते हैं कि पहले जो भी ऑप्शन था, अब उसके जगह एक और नया ऐड आ गया है वोल्ट ई का, और डिवाइस इज HD कैपेबल, एक नया ऑप्शन वहां ऊपर आ चुका है, और एक वोल्ट ई VOLTE कुछ नया ऑप्शन आया है। बस दोस्तों सिर्फ यही चेक करना है कि ये जो वो जो वोल्ट ई लिखा हुआ है, तो ये क्या सही में काम कर रहा है काम करा। तो उसके लिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा, जैसे कि नेट यूज करूंगा जो पहले यूज कर रहा हूं। तो फिलहाल इसका सेटिंग चेक कर रहा हूं, कुछ और तो चेंज नहीं हुआ ना। तो जैसे टच गेस्चर वगैरह सब सही है, पहले की तरह है। अबाउट फोन उसका वर्जन मैं चेक कर रहा हूँ, एंड्रॉयड वर्जन तो 6.0 है, अपडेट सिस्टम अपडेट तो खैर लेटेस्ट है अभी, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पाथ लेवल ये भी सही है, और CPU सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा हूँ, बिल्ड नंबर भी करीब वही है, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको मैं बैक कर रहा हूँ और मैं चेक करूँगा कि इसका मतलब
स्पीड में क्या डिफरेंस आया? जैसे पहले मैं एक ऐसा जगह है हम लोग का यहाँ पे, जो कि वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता था जियो का, और वहाँ अब मैं वहीं पे जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो वहाँ जो अभी नेटवर्क है तो फिलहाल अभी 1 खुटी है, तो 1 भी नहीं दिखा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी वहीं जा रहा हूँ, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि नेट का स्पीड क्या है। फिलहाल मैं चेक कर रहा हूँ इसका सिस्टम वगैरह सब सब तो ठीक ठाक है पहले की तरह। थोड़ा फिलहाल अभी इसको तुरंत अपडेट हुआ है तो कुछ हल्का स्लो काम कर रहा है, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा कि अपडेट होने के बाद क्या यह सही है या फिर सही नहीं है। तो नेट वगैरह ऑन हो चुका है और मैं इसका ग्लोव्स मोड ऑफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो काफी अच्छी फीचर्स है जो कि इसको मतलब यूनिक बनाती है। तो इस फीचर्स में जैसे कि ग्लव्स पहन के भी यूज कर सकते हैं, ग्लव्स मोड जब ऑन रहेगा तो काफी अच्छी फीचर्स है इसकी। इसको मैं ऑफ कर देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने ऑफ कर दिया इसको। अब दोस्तों मैं नेट यूज करना चाहूंगा इसको, मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूँ जहाँ की पहले बिल्कुल ही नेट नहीं थी, नेटवर्क शो ही नहीं कर रहा था। अब यहाँ तो देख रहा हूँ नेटवर्क तो शो कर रहा ही है, 1 खुटी तो नहीं दिख रही है लेकिन नेटवर्क दिख रहा है, और 4G का नेटवर्क भी आया है, ई का भी नेटवर्क आया है, और वहाँ साइड में वोल्ट LTE लिखा हुआ, यानी कि वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, एक्चुअली इसमें जो पहले था LTE था, तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो खुल तो गया काफी स्पीड से, तो ब्राउजिंग तो सही हो रही है। अब डाउनलोडिंग की पारी आई, डाउनलोडिंग चेक कर रहा हूँ दोस्तों। मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर कि पहले नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं थे, और यहाँ तो करीब खुल तो पा रही है, ब्राउजिंग तो करीब ठीक स्पीड से हो रही है। अब देख रहा हूँ इसका डाउनलोडिंग स्पीड, कोई मैं गेम प्ले स्टोर से गेम फाइल खोल रहा हूँ तो मैं कोई भी एक गेम सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये गेम सिलेक्ट किया, इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इंस्टॉल तो क्लिक तो मैंने कर चुका हूँ, इंस्टॉलेशन ले नहीं रहा है। ठीक है, तो हाँ इंस्टॉलेशन शुरू हो गई, फिर कट गई ऑटोमेटिकली। तो ब्राउजिंग तो ठीक ठाक है, मैं चेक कर पा रहा हूँ। जैसे कि स्पीड तो यहाँ 240 KB, 312 KB, यानी स्पीड ज़्यादा नहीं है, डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी स्लो है, यानी 69 KB पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो इंस्टॉलेशन मैं इसको कैंसिल कर रहा था, तो शायद गेम में भी कुछ कुछ फॉल्ट होती है जो कि वो गेम इंस्टॉल नहीं होती, मैं दूसरा गेम ट्राई करना चाहूँगा। तो खैर कुछ कुछ ऐसे गेम होती है, कुछ कुछ ऐसे फाइल होती है जो कि डाउनलोड होने में काफ़ी टाइम लगाती है, तो मैं एक और एक्सपेरिमेंट दूसरा गेम पे करता हूँ। तो जैसे मैंने रेसिंग ऑन बाइक फ्री इसको डाउनलोडिंग में लगा दिया, डाउनलोडिंग तो ले रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्राउजिंग स्पीड तो ठीक ठाक है बट डाउनलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर पहले नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं थी, तो यानी वहाँ आप ब्राउजिंग इजीली कर सकते हैं बट डाउनलोडिंग में कुछ आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। अब यूट्यूब में देखूंगा, देखता हूँ गूगल, तो यहाँ गूगल प्ले स्टोर से तो डाउनलोड नहीं हो पा रहा स्पीड से उतना, तो फिर भी 2G से तो काफ़ी अच्छा है। अब कोई मैं वीडियो ऑन करना चाहूँगा, मैं कोई भी एक वीडियो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो वीडियो तो चालू हो चुका है। तो चालू तो हो चुका है दोस्तों, लेकिन बफरिंग कुछ ज़्यादा ही ले रही है, तो इसको मैं कैंसिल करके कोई दूसरा वीडियो टर्न ऑन कर रहा हूँ। तो ये भी वीडियो काफ़ी बफरिंग कर रही है, तो यानी कि चल गया, वीडियो तो चालू हो गई।
बट डाउनलोडिंग स्पीड या फिर यूट्यूब स्पीड काफी ही स्लो है। तो ब्राउजिंग स्पीड ठीक ठाक है, पहले तो कुछ चल ही नहीं रहा था, बट ब्राउजिंग नेट शुरू होने के कारण ब्राउजिंग तो चल रही है, ब्राउजिंग तो हो पा रही है, बट डाउनलोडिंग नहीं हो पा रही है। तो कुल मिला के बात ये हुआ दोस्तों कि मतलब इसमें कुछ खास फीचर्स तो ऐड नहीं हुआ, बट पहले कुछ नहीं दिख रहा था, वोल्टी ही दिख रहा है। तो आप अपडेट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, पहले का वर्जन था और ये अभी का वर्जन डाउनलोडिंग अपडेट होने के बाद। तो आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से, यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि काफ़ी अच्छा तो नहीं लेकिन नेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह देखते रहिए, धन्यवाद, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।